हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। सरोदा में व्यापारी की हत्या को लेकर ग्रामीणों में लगातार रोष व्याप्त है। इस संबंध में गुरुवार रात्रि में ग्रामीणों की सर्वसमाज की बैठक आयोजित हुई, जिसमें ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। बैठक में ग्रामीणों द्वारा बुधवार को गड़ाझुंझी ढाणी में दिन दहाड़े हुई हत्या के विरोध में व्यापारी महेश पुत्र सुंतिलाल जैन के पैतृक गांव में रोष व्यक्त करते हुए पुलिस व प्रशासन से हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ने हेतु दबाव बनाने एवं बच्चों के भविष्य तथा उनको सरकारी नौकरी व अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के साथ ही मृतक परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करवाने की मांग को लेकर सागवाड़ा में एसडीएम व वृत्त निरीक्षक को ज्ञापन दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही जल्द खुलासा नहीं करने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देने का निर्णय लिया गया। विदित है कि पुलिस ने कल पोस्टमार्टम करवाकर शव को मुर्दाघर में रखा था तथा मृतक की पत्नी व दोनों बच्चे के आज सुबह में गांव पहुंचने पर शव को परिजनों को सौंपा था तथा शव का अंतिम संस्कार पैतृक गांव सरोदा में सुबह में हुआ था। ज्ञातव्य है कि बुधवार को गड़ाझुंझी ढाणी में दिनदहाड़े व्यापारी महेश पुत्र सुंतिलाल की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। ग्रामीण इलाकों में सीसीटीवी कैमरे न होने तथा दोपहर के समय में हत्या होने से व चश्मदीद नहीं होने से मामले के खुलासे में देरी हो रही है।